हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनीता मैथमेटिक्स क्लासेस। माय नेम इज़ अनीता यादव। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारे पास हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं अभाज्य संख्याएं, जो कि प्राइम नंबर्स होता है। अभाज्य संख्याओं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। हमारे पास है सभी अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए जो कि 1 से 40 के मध्य है। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास अभाज्य संख्याओं के लिए ये एक टेबल होती है जो आपको लर्न होनी चाहिए। देखिए, आप छोटी क्लासेस में है, अभी आपको छोटी में है या बड़ी में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होंगे, तो आपको इसका आंसरिंग करना है। तो देखिए, यहाँ पे ये जो येलो मार्किंग है, दीज आर द प्राइम नंबर जो आपको स्पेसिफाई किए गए हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये क्या है हमारे पास प्राइम नंबर से, आपको 1 to 40 के बिटवीन में बोला है। तो ये क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and 29, 31 and 37। दीज आर बिटवीन 1 to 40 के बिटवीन में आपके पास ये नंबर्स हैं। तो इसी तरीके से आप इस टेबल के थ्रू देखिए 55 to 75 निकाल सकते हैं, और फिर है हमारे पास ये है 50 to 100 and 87 to 100। तो इसके लिए आपके पास ये जो टेबल है, ये अच्छे से लर्न, ये जो काउंटिंग का पूरा हमारे पास है, ये अच्छे से लर्न, ये आपके पास जो ये पूरी जो है काउंटिंग है, इसमें आपके पास ये लर्न होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स 1 to 100 के बिटवीन में क्या होते हैं। फिर देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है इसमें से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए, अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से भाग हो और जिनका और वह अपने ही टेबल में आए। तो देखिए, जैसे हमारे पास 2 है, तो 2 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा और किसी नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते। फिर 5 है, ये 1 से डिवाइड है और 5 से डिवाइड है। 31 है, ये 1 से डिवाइड है और अपने ही नंबर 31 से डिवाइड है। तो वे संख्याएं जो 1 से और अपने ही नंबर से डिवाइड होती हैं, वो क्या कहलाती हैं हमारे पास, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। विच नंबर विच आर डिवाइडेड बाय 1 और इट्सेल्फ ओनली इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। तो ये है हमारे पास प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए, टेबल के थ्रू हम देख लेंगे कि 87 जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि देखो ये किससे है, 87 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो दिस 3 2 जा 6, ये आएगा 27, 3 9 जा 27, मीन्स ये हमारा 87 जो है 1 और 87 के अलावा एक नंबर 3 से और डिविजिबल है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे फिर क्या कहलाएंगे, संयुक्त संख्याएं कहलाएंगी। जो अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं वो क्या होती हैं, संयुक्त संख्याएं, कंपोजिट नंबर। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये क्या है, हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है। और सेकंड नंबर को देख रहे हैं, देखो ये हमारे पास डिविजिबल है 5 से, क्योंकि यूनिट डिजिट जिसका 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होती ही होती है। तो ये 5 से डिविजिबल है, भाग जाएगा इसका 5 से, 1 और 105 के अलावा 5 से भाग जाएगा, तो इसे हम नहीं कह सकते कि ये है अभाज्य संख्या, ये है भाज्य संख्या। फिर 187 है, इसे देखेंगे हम, ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं है, ये सिर्फ 1 और 187 से डिवाइड है। आप इसे डिवाइड करके देख लीजिएगा और किसी भी नंबर से। देखो, हमें नंबर्स क्या लेने होते हैं, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये नंबर लेने होंगे, इनसे हम डिवाइड करके देखेंगे कि ये डिविजिबल है या नहीं। तो ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा हमारा, तो दैट मीन्स ये क्या है, प्राइम नंबर है हमारे पास, मतलब अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से आप बाकी सबको भी, 139 जो है ये हमारा, ये भी अभाज्य संख्या है, 361 ये डिवाइड हो जाएगा, 421 ये भी हमारा डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड होगा, 421 दिस इज 3 से नहीं होगा, ये होगा हमारे पास 421। देखो 1 से तो डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से, 7 5 जा 35, फिर ये बचेगा हमारे पास
ये 5 से भी, देखो ये भी हमारे पास प्राइम नंबर होगा 421, ये भी क्या होगा हमारे पास प्राइम नंबर होगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि डिवाइड करके देखेंगे किसी से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स वो क्या होगा अभाज्य संख्या होगा। आगे देखिए, आगे हमारे पास है 100 से छोटी ऐसी सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए जिनका इकाई का अंक 3 है। तो यहाँ पे देखो इकाई का अंक 3 है, मतलब 3 आएगा, 13 आएगा, 23 आएगा, 43 आएगा, 53 आएगा, दिस इज 73, 83, ठीक है। ये सब हमारे क्या है जिनका इकाई का अंक क्या है 3, ये सारी क्या है हमारे पास अभाज्य संख्या है। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं ये सारी हमारी, आपको ये लर्न होंगे तभी आप इसे कर पाएंगे। तो आप ये टेबल जरूर लर्न कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये हमारी। प्राइम प्राइम नंबर्स इसी के बिटवीन में हमसे पूछे जाते हैं, बाकी तो हम चेक कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्याएं लिखिए। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है हमारे पास, जो हमारे पास डिवाइड है। तो देखिए भाज्य संख्या पूछा है, अभाज्य नहीं पूछा है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। ऐसा नहीं हो कि हम अभाज्य संख्याएं पढ़ रहे हैं तो आप जल्दबाजी में सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या लिख दें। हमारे पास क्वेश्चन क्लियरली गिवन है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या लिखिए। तो भाज्य संख्या देखिए 9, 9 हमारे पास वो भाज्य संख्या है सबसे छोटी विषम नंबर की, जो कि क्या है ये भाग चला जाता है, इसका 3 से भाग जाता है। देखिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 9। फिर है सबसे छोटी समभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या होती है 4। 4 हमारे पास क्या है ये 2 से भाग चला जाएगा इसका, 1 से भी चला जाएगा और 4 से भी चला जाएगा। तो ये कैसी है संख्या, भाज्य संख्या है। फिर है हमारे पास सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपके पास एक 2, 2, इसका आंसर आएगा 2। देखिए 2 ऐसा प्राइम नंबर है, क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है कि वे संख्या बताइए जो कि सम अभाज्य संख्या है। हमारे पास सिर्फ 2 ही ऐसा सम अभाज्य संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है, जो कि सम है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब विषम संख्याएं हैं। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि हमारा सम अभाज्य संख्या है, सम संख्या है मतलब, ठीक है। बाकी सारे जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सब क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, ये सिर्फ सम संख्या होती है 2। फिर देखिए आगे है हमारे पास, एक संख्या के इकाई का अंक 5 है, यदि वह संख्या 150 से 200 के मध्य स्थित हो तो बताइए वह संख्या भाज्य है या अभाज्य। तो देखिए 150 से 200 के बीच में ये हो जाएगा 155, 165, 175, 185, 195, ये सारा क्या है हमारे इसके बिटवीन में नंबर, इसके मध्य नंबर आएंगे। तो देखिए 5 का जो भाजकता का नियम होता है वो ये कहता है कि जिस भी संख्या का इकाई का अंक 5 है वो 5 से भाज्य होगा ही होगा। तो देखिए इसने बोला अगर ये 5 से भाज्य है तो 155 जो है वो 1 से भी भाग होगा, 155 से भी भाग होगा और 5 से भी भाग होगा। अब भाज्य संख्या कहती है सिर्फ इन्हीं दोनों नंबर से होना चाहिए डिवाइड, एक एक्स्ट्रा नंबर मिल गया दैट मीन्स ये क्या हो गया भाज्य संख्या हो गया। तो ये सारी क्या होंगी, इकाई का अंक जो भी 5 से ख़त्म होगा वो जो होगा क्या होगा हमारा, सब भाज्य संख्याएँ होंगी, कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्लियर है बच्चों। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि तारांकित स्थान पर ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो। तो देखिए 3 से भाजकता का नियम क्या होता है, इन सारी संख्याओं को जोड़ दीजिए, अगर ये 3 से भाग होगा तो हमारा क्या होगा ये 3 से विभाज्य होगा। तो देखिए जोड़ते हैं 5 प्लस 3 प्लस स्टार बना देते हैं इसको और ये हो जाएगा प्लस 4 प्लस 6 अपॉन में 3, 3 से डिवाइड करेंगे इसे जोड़ लेते हैं, ये आएगा 18 और यहाँ पे स्टार आएगा प्लस में और यहाँ देखिए 3। अब देखिए जो नंबर 18 बना ये 3 से डिवाइड है, मतलब मुझे स्टार के स्थान पे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिएगा मतलब मेरे को क्या लिखना है, स्टार की वैल्यू 0 लिखनी है।
तो स्टार की वैल्यू देखो 3 6 18, ये डिवाइड है, मतलब स्टार की वैल्यू क्या लिखनी है, 0। जब हमें कुछ नहीं चाहिए वहाँ पे, देखो कोई भी नंबर ऐड करूँगी बड़ा हो जाएगा, वो डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सबसे कम कम होता है ना वो लेते हैं हम, तो सबसे कम क्या आएगा इसमें, 0 आएगा हमारे पास। फिर देखो यहाँ पे है 2 3 4 प्लस स्टार प्लस 1 प्लस 7, इसे ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस स्टार। तो देखो अब यहाँ पे ये इसको भाग देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इसमें 16 है तो ये कब भाग होगा, जब देखो ये 18 बन जाएगा, 16 17 18 18 तीन से भाग है, तो मतलब मुझे 16 से 18 बनाने के लिए स्टार का जो मान है वो 2 रखना पड़ेगा। 2 अगर यहाँ पुट कर दूंगी फिर इसमें ऐड करूंगी तो ये 16 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे स्टार का मान क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है बच्चों? थर्ड वाला देखो, यहाँ पे है 6 प्लस स्टार प्लस 1 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 4, इसको जोड़ लो, 9 और 1 10 और ये 16, ये हो जाएगा 16 प्लस स्टार अपॉन में 3। अगेन हमें स्टार की वैल्यू क्या चाहिए, 2 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा, तो यहाँ पे स्टार की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 2 आ जानी चाहिए। समझ में आया बच्चों? ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। फिर देखिए, तारांकित स्थान पर ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 9 से भागो। देखो 9 से भाजकता का नियम होता है, सारे नंबर को जोड़ दो और फिर अगर वो 9 से भाग है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 से भाज्य हो जाएगा। तो सब नंबर्स को जोड़ देते हैं, 8 प्लस 4 प्लस स्टार, तो इन सबको जोड़ो, ये हो जाएगा 6 6 12 6 3 18 6 6 24 6 5 30 और एक ये 31 प्लस स्टार बटे 9 से भाग देना है। तो देखो ये 9 से भाग कब जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 9 6 36, तो मतलब 31 में मुझे क्या जोड़ना है, 5 और जोड़ना है ताकि ये क्या बन जाए, 36 बन जाए। तो स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 5। जो आपके पास छोटा, सबसे छोटा नंबर जो ऐड करके, देखो 9 9 चौक 36, यहाँ पे 31 है, 31 से बड़ा नंबर लेंगे, 36 आ रहा है हमारा, तो जो सबसे पहले आता है डिविजिबल हमें वो नंबर लेना होता है। यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास है, दिस इज 8 प्लस 3 प्लस 5 प्लस स्टार प्लस 8 प्लस 6, देखो ये हो जाएगा 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 4 32 और ये 30 प्लस स्टार। अब इसमें क्या करेंगे, 9 से भाग देने के लिए देखो हमें क्या करना है, स्टार की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 6 रखनी पड़ेगी, तो ये क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा, 30 30 प्लस 6 36 और ये फिर 9 6 36 से भाग हो जाएगा, तो स्टार की वैल्यू क्या रखनी है, 36। यहाँ देख लो, दिस इज 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस स्टार प्लस 5 प्लस 8, ठीक है, इसे ऐड करते हैं, ये 4 हो जाएगा, 4 4 8 और 8 2 16 और ये हो जाएगा 17 प्लस स्टार और 9 से भाग देने के लिए 9 2 18, 17 के बाद 18 पहले आता है, तो स्टार की वैल्यू क्या रखनी है हमें, 1 रखनी है। आया बच्चों समझ में? आगे देखो, आगे हमारे पास है, तारांकित स्थान पर ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। देखो 11 से विभाज्य का क्या नियम होता है, हम इसे लिखते हैं, इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि क्या होता है। देखो 11 से भाग का नियम होता है कि जो विषम स्थान पे, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हमारे पास 1 2 3, ये हमारे पास क्या है, ये विषम स्थान है, ये विषम स्थान है, ये सम स्थान है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जो हमारे पास विषम स्थान पे हैं, विषम स्थान पे हैं, जैसे 3 प्लस स्टार प्लस 2, ठीक है, और फिर जो हमारे पास सम स्थान पे है, ये हमारे पास सम स्थान पे है, ये लिखेंगे 1 प्लस 8 प्लस 4। क्लियर है? ये हो जाएगा 5 प्लस स्टार और ये हो जाएगा हमारे पास 9 और ये 13, ठीक है, 13। अब 13 में से देखो, इस नंबर में से इस नंबर को घटाओ तो ये क्या आ जाएगा, 13 माइनस 5, मतलब ये देखो, इसमें ऐसा नहीं करो, देखो कैसे करेंगे, ये आ गया हमारे पास
कितना आया था, 5+* अब देखो ये जो 5 है इसमें क्या जोड़ूं कि 13 आ जाए, तो देखो अगर मैं 8 जोड़ूंगी तो इसमें 13 आ जाएगा हमारे पास, क्लियर है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू 13 और 13 हो जाएगी, 13 में से 13 को घटाएंगे 0 आएगा। हमें क्या करना होता है, 11 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि जो सम संख्या पे हैं और जो विषम संख्या पे हैं उन दोनों को घटाने पे या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, मल्टीपल मीन्स उसका गुणा, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, इस तरीके का कोई हमारे पास डिजिट आ जाए तो वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, 0 बनाएंगे, हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो यहाँ पे क्या जोड़ूंगी मैं, तो स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 8 आ जाएगी। इसी तरीके से देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पे है 4 6 7*91, इसे देखते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा। देखो ये हमारे पास ऑड प्लेस है, ऑड नंबर पे है, तो 4+7+9 और फिर इन नंबर्स को लेंगे हम तो ये हो जाएगा 6+*+1, क्लियर है बच्चों। तो इसे जोड़ेंगे ये हो जाएगा 11+9, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 7+ और ये हो जाएगा स्टार, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ पे ये कुछ बड़ा नंबर दिख रहा है, 0 में मुझे बड़ा नंबर ऐड करना पड़ेगा, वो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। देखो 13 ऐड करूँगी तब जाके कहीं 20 बनेगा यहाँ पे, तो मैं ए स्टार की जगह 2 डिजिट नंबर तो लिख नहीं सकती हूँ, मुझे तो 1 डिजिट नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें से कि इसको 11 बनाएंगे, तो देखो 20 में से यहाँ पे 20 में से 11 घटाओ कितना आना चाहिए, 9। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 9। तो यहाँ पे 7 में क्या ऐड करूँगी कि 9 आएगा, 2। तो स्टार की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास, 2 होनी चाहिए, क्लियर है बच्चों, आ रहा है समझ में आपको। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हमारे पास, लिख लेते हैं पहले, ये हो जाएगा 8 0*3014052, ये हो गया आपके पास। देखिए फिर इसमें क्या करेंगे हम, इसमें यहाँ पे ये 1 2, ये जो इवन जो ऑड नंबर पे है, विषम विषम जगह पे, जो ऑड प्लेस पे देखेंगे, ये एक एक छोड़ के और ये हो जाएगा और फिर नीचे वाले ये, ठीक है, इन्हें ऐड करते हैं। ऊपर वाला लेंगे 8+*+0+4+5, यहाँ लेते हैं दिस इज 0+3+1+0+2, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 17+* और ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो अब देखिए आपको इसमें से क्या करना है, हमें 0 0 तो बन नहीं सकता, तो 11 बनाते हैं। देखो 0 बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 नहीं बन सकता है, तो यहाँ पे 11 बनाते हैं। देखो अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 11 बनाने के लिए 17 में से 6 को माइनस कर दूंगी तो 11 आ जाएगा, तो मुझे मिल रहा है, दैट मीन्स स्टार की जगह पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, 0। मुझे कुछ नहीं चाहिए ना स्टार की जगह पे, तो ये क्या रखेंगे, 0। तो इट मीन्स स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 11 का विभाजकता का नियम ये आपको आना ही आना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर देखिए हमारे पास है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। तो अभी हमने 3 से भाजकता का नियम पढ़ा था, अब हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हम लिखेंगे देखो 6+7+2+4, ये करेंगे हम। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसे ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 6 2 12, 6 3 18 और ये हो जाएगा 19। देखिए 19 आ रहा है हमारे पास। अब ये 19 3 से भाज्य तो होता नहीं है, मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, देखो अगर मैं इसमें 2 नंबर और ऐड कर दूँ तो ये 21 हो जाएगा और 3 7 21 डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या लेना है,
टू लेना है, ठीक है, टू आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए जो हमारे पास सबसे छोटी संख्या थी वो तो हमें मिल गई, वो क्या मिली हमारे पास, विच इज़ टू मिली हमें, ठीक है। फिर हमारे पास है सबसे बड़ा, तो देखो अब 19 में कितना जोड़ना है, 27 बनाने के लिए 8 जोड़ेंगे तो हमारा 27 बन जाएगा। देखो 9 नहीं जोड़ सकते, वो हमारा 28 बनेगा, वो हमारा 3 से भाज नहीं होगा। तो मतलब बड़ा नंबर हमें क्या लेना है, सबसे बड़ा अंक जो है, बड़ा अंक हम क्या लेंगे, 8 लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये डिविजिबल होगा। यहाँ देखो ये है 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे और 2 ऐड करेंगे, ठीक है। तो इन्हें जोड़ते हैं हम, ये हो जाएगा 10, ये 22, 22 और 23 24। देखो 24 है, ये हमारा 3 से भाग देंगे तो डिवाइड होगा, दैट मीन्स सबसे छोटा अंक हमें क्या लेना है, सबसे छोटा अंक लेना है 0, ठीक है, ये हमारे सबसे छोटा हो जाएगा। और बड़ा अंक क्या ले सकते हैं, देखो सबसे बड़ा अंक मैं यहाँ पे अगर 9 ले लेती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, विच इज़ डिविजिबल बाय 3, डिवाइड होगा 3 से, तो सबसे बड़ा अंक क्या लेंगे, 9 लेंगे। फिर देखो यहाँ पे है 41 38, ये है हमारे पास तीसरा 41 38। अब इसमें देखो ऐड करते हैं इसे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ 4 प्लस 1 प्लस डैश प्लस 3 प्लस 8, इसको जोड़ते हैं, दिस इज 8 4 12 और 4 16, 16 प्लस क्या जोड़ें इसके अंदर के, 3 से डिवाइड हो, ठीक है, 3 से डिवाइड हो, तो 3 6 18 मीन सबसे छोटी संख्या क्या जोड़नी है हमें, वो जोड़नी है 2, 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। फिर और क्या जोड़ना है हमें, फिर देखो और हम 16 में अगर 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 24, जो कि क्या है, डिवाइड, तो बड़ा अंक क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। इस तरीके से देखिए आप निकाल सकते हैं इसको। तो ये थे हमारे पास कुछ अभाज्य संख्याओं पे बेस्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको आने ही आने चाहिए। और बाकी आपको इसमें जो काउंटिंग की हमने वो पढ़ी है, जो ये टेबल है ये आपको लर्न होनी चाहिए, ये टेबल आपको लर्न है तभी आप अच्छे से अभाज्य संख्याओं को पढ़ पाएंगे। तो देखिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से अच्छे जो नोट्स हैं, जो मटेरियल है उनको प्रोवाइड हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।